एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी जिठानी मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा मदीने का सफ़र कैसा रहा? तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह जिंदगी भर कभी नहीं भुलाया जा सकता था। हम लोग मदीने शरीफ में खड़े थे और मेरी छोटी सी सबा मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में मेरा खून सूखने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, न जाने वह कहाँ चली गई। आसपास लोग ही लोग थे, क्योंकि हज का टाइम था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे मेरी छोटी सी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा शौहर भी मुझे गुस्से में देख रहा था। उसकी क्या वजह थी वो तो एक अलग ही कहानी थी। लेकिन कहाँ गई मेरी बेटी? ए मेरे रब, तेरे दर पर इतने करीब खड़ी हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे। अभी मैं दुआओं में बिजी थी, अचानक मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई। और जब मैं उससे पूछा कि वे कहाँ चली गई थी, तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं सजदे में गिर गई, ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। वहाँ पर जितनी भीड़ थी, सब लोग मुझे देखने लगे। मेरा शौहर मुझे रोकने लगा, ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी मुझे बात ही ऐसी बता रही थी। उसने कहा कि जितनी देर में गायब थी, उतनी ही देर तक मेरे साथ दो अंकल। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम तमन्ना था, मेरे शौहर का नाम आमिर था। हम लोग एक अच्छे खाते पीते घर से थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अल्लाह अपने घर में दौलत से नहीं बल्कि नसीब से बुलाता है। और हम लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। पूरे 8 साल तक मुझसे कोई औलाद नहीं हुई थी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाज दिया था, जिसका नाम मैंने सबा रखा था। अब वह खुद से चलने फिरने वाली और बातें करने वाली हो गई थी। मैंने उस टाइम कसम खाई थी, मैं अगर औलाद पालूंगी तो हज पर ज़रूर जाऊंगी। और बीच में इतने सारे समस्या बनी कि मैं अभी तक ना जा सकी थी। लेकिन अब हमारा जाने का इरादा बन गया था। मेरी जिठानी के यहाँ कहने को तो 2 बेटे थे, लेकिन उनके बेटों से मेरी बेटी इस घर में सबसे ज़्यादा लाड प्यार किया जाता था। मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे दोनों बिना शादीशुदा देवर, नंद भी, सब लोग ही सबा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वह लोग कहते थे, ये घर तो लड़कों से भरा हुआ है, लेकिन ये प्यारी सी गुड़िया जो यहाँ पर आई है, यही हम सबकी जान है। सबा थी भी बहुत खूबसूरत। जब सब लोग उसके 4 बेटों को छोड़कर मेरी एक बेटी के लाड नखरे उठा रहे थे, तो उसे बहुत गुस्सा आता था। जब हम लोगों का जाने का प्लान बना, तो उसे घर पर नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसी बात नहीं थी जैसे मुझे किसी पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा, हम बेटी को भी साथ लेकर जाएंगे। मेरे शौहर ने कहा, खुद से खाने पीने वाली है, बातें करती है, उसको अम्मी के पास छोड़ जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी। अगर आपको टिकट के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप बता दें। उसने कहा कि बात टिकट की नहीं है, चलो ठीक है, अगर तुम उसको वहाँ भी संभाल सकती हो तो ले चलते हैं। साथ में मेरी जेठानी ने कहा कि उसको लेकर ना जाओ, वहाँ पर तो बच्चे खो जाते हैं। अगर ये तुम्हारे हाथ से गुम हो गई फिर क्या करोगी? मुझे उनकी बातों पर बड़ा गुस्सा आया। मेरी सास ने उसको टोक दिया और कहा कि वे लोग हज करने जा रहे हैं, तुम ऐसी मनहूसियत भरी बातें ना करो, क्योंकि टोक लग जाती है। बच्ची अपने माँ के साथ है और उसका बाप भी साथ में है ना, करेंगे उसका ख्याल, कुछ नहीं होगा। शुक्र है मेरी सास हक का साथ देने वाली थी। इस घर में मेरे साथ उन्होंने 8 साल तक बहुत नाइंसाफ़ी की थी। वह हक पर तो थी, लेकिन मेरी ही जब किस्मत ख़राब थी तो वह कैसे मेरा साथ देती? मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और डॉक्टर ने कहा था कमी भी मेरे अंदर है। 8 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये दर्द तो वही औरतें बता पाएंगी जिनकी औलाद ना होती हो। उनके लिए तो 8 साल 8 सदियों के बराबर होते हैं, ये वही समझ सकते हैं जिसके ऊपर ये सब गुजरा हो। और फिर मेरी जेठानी ने बेटों की लाइन लगा दी। ऐसे में मेरी सास के मुंह से कोई ना कोई शब्द निकल ही जाता था। मेरे दिल में उनके लिए जहर नहीं था, लेकिन मैं ये बात नहीं भुला पाती थी कि उन्होंने मेरे दिल पर कितने जख्म लगाए थे। अब शायद उन्हीं जख्मों को भरने की कोशिश करती थी, क्योंकि जब से सबा इस दुनिया में आई थी, मेरे ससुर को अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। मेरे एक देवर की लॉटरी निकल आई थी। मेरे अपने शौहर का काम तो वैसे ही बहुत अच्छा जा रहा था, तभी तो हमारा हज पर जाने का इंतजाम सेट हुआ था। इसलिए मेरी सास को यकीन हो गया था कि सबा हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक है और खुशकिस्मत साबित हुई है। उसके आने के बाद इस घर में बहुत कुछ आया और फ़ायदा हो रहा है, जबकि जेठानी के बेटों के आने के बाद घर में बहुत सारे नुकसान हुए थे। मेरे ससुर तो एक बार बिस्तर पर ही पड़ गए थे, फिर अल्लाह ने उन पर करम किया और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए।
ये लोग इस तरह की बातों पर यकीन करते थे, ऐसा था या नहीं मुझे नहीं पता। खैर, हम लोग हज पर रवाना हो गए। मेरे दिल में बार बार मेरी जिठानी की बात आ रही थी। मैं अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन बच्चों की ऐसी उम्र होती है, उनको हर चीज़ को जानने की, देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मेरी बेटी भी ऐसे ही थी, सबने लाड प्यार से उसे बिगाड़ दिया था। वह बदतमीज़ नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में हमेशा खुद काम किया करती थी। उसे हर काम जल्दी करना होता था। हमें यहाँ आए हुए कुछ दिन बीत चुके थे, उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पर माहौल तो ऐसा होता है, अगर जख्म भी लगा हुआ हो और यहाँ आ जाए तो सर से लेकर पांव तक मरहम बन जाता है। मेरे साथ भी यही मामला हुआ था। वहाँ अच्छा लग रहा था, ऐसे ही मस्जिद नबीवी के आंगन में बैठी सामने लोगों को तवायफ करते हुए देख रही थी। मेरी बेटी मेरे पास बैठी थी। मेरा शौहर खाने पीने का इंतज़ाम करने बाहर गया था। उसने कहा था कि आज रात का खाना हम इसी आंगन में बैठकर खाएंगे और शायद यहीं पर सो भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपने पुराने बीते हुए दिन में खो गई और सोचने लगी, ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरे रब ने मुझे अपने घर बुला लिया। आज मैं यहाँ बैठी हूँ और बड़ी सब्र और सुकून में हूँ। मेरी एक औलाद तो हो गई है, अल्लाह ने चाहा तो आगे भी मेरी औलाद होगी, तो मुझे वो बेटे से भी नवाज देगा और रहमत से भी, और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ? मैं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती। इसी तरह मैं हर सजदे में अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, और जैसे ही सजदे से उठी तो आसपास देखा, मेरे दिल ऐसे बैठा जैसे मेरा दिल मेरे कदमों में आकर गिरा हो, क्योंकि सबा वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा शायद आसपास में यहीं कहीं होगी, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं उसे तलाश करने लगी, पर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त जो मेरी हालत थी मैं ही जानती हूँ। मेरे दिल की धड़कन मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और मेरे हाथ पांव मेरे साथ नहीं दे रहे थे। मैं लोगों से पूछ रही थी, अपने एक बच्ची को देखा, छोटी लड़की को देखा, उसने नीला सूट पहना हुआ था। सब लोग कह रहे थे, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। वे लोग भी क्या करते, यहाँ पर इतना भीड़ था, ऐसे में कौन किसको याद रखता है? और अगर कोई याद रखता भी है तो उसको कहाँ याद रहता है कि कौन थी, कैसी थी, किस तरफ गई थी। जिस जगह मैं बैठी थी वहाँ से मैं हिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरे शोहर ने देख लिया। इसका मतलब कि अगर मैं भी कहीं खो जाती और आसपास कहीं होती तो मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं था, जैसे मेरे शोहर ने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन मुझे सबा आसपास कहीं नहीं मिल रही थी। इसका मतलब फिर वह कहीं दूर चली गई थी। जब मैंने अपने शोहर को यह सब कुछ बताया तो उसके हाथ से खाना गिर गया। मेरे दिमाग में वही बात आई जो मेरी जेठानी ने कहा था कि वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, यही तो सीज़न है, कहीं तुम्हारी बेटी वहाँ खो ना जाए। क्या उसकी जुबान काली थी? उसकी कही बात सच हो चुकी थी। मुझे मेरी बेटी अब कभी ना मिलती। मैं जल्दी सजदे में गिर गई, दुआ करने लगी। मेरे शोहर को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आता था। वह गुस्सा होने लगा, कहाँ थी तुम? कहाँ था तुम्हारा ध्यान? कहाँ चली गई सबा? मैंने कहा कि इधर ही तो थी, मेरा हाथ पकड़कर बैठी थी, मैं सजदा कर रही थी। उसने मेरा दुपट्टा पकड़ा हुआ था, मुझे लगा कि मेरे पास ही बैठी है, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई है। हम लोग उसे आसपास देखने लगे, हमें नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग और खड़े थे जो इस तरह के लोगों की मदद करते थे। हमने उनसे जाकर मदद मांगी, उनको अपनी बेटी का हुलिया बताया। उन्होंने कहा, फिक्र ना करें, हम कोशिश करते हैं, कुछ तो पता चल जाएगा, आप परेशान ना हों। आप लोग भी तलाश करें, हम भी करते हैं। उन्होंने ऐलान वगैरह भी करवाए और हम लोग भी तलाश करने लगे। लेकिन अजीब मामला था, मेरी बेटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। सारा एरिया तो करीबन ओपन ही था, ऐसा तो नहीं था वह किसी कमरे में अंदर चली गई थी, वहाँ पर खो गई हो। फिर वह कहाँ चली गई? मैं बार बार दुआएं कर रही थी, मेरी हर सांस दुआ बन चुकी थी, और अगर आज मेरी दुआ मेरा रब कबूल नहीं करता तो फिर कब करता? यहाँ पर आकर तो सबकी दुआएं कबूल होती है, फिर अभी तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही थी। हमने तो रोना शुरू कर दिया। मैं ज़मीन पर बैठ गई, मुझे अचानक से चक्कर आ गया। मेरा शोहर वहीं पर आ गए थे, उन्हें नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। दो औरतों ने मुझे सहारा दिया और कहा कि क्या बात है, वह भी हिंदुस्तानी लग रही थी। मैंने उन्हें बताया ये मामला है, तो वह कहने लगी कि आपको इतनी कम उम्र की बच्ची को साथ लेकर नहीं आना चाहिए था, आप लोगों को तो भी दिखावा करने होते हैं। 4 साल की उम्र में हज किया है, 5 साल की उम्र में हज किया है,
छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आ जाते हो तो फिर यही सब कुछ होगा ना। मैं उस औरत पर हैरान रह गई। शायद उसकी बात ठीक थी, शायद इस तरह के लोग भी इस दुनिया में थे। लेकिन उस वक्त जो मेरी हालत थी, उसे क्या मुझसे इस तरह से बात करनी चाहिए थी? ये औरत चुप हो गई तो दूसरी बोलने लगी, तुम कहाँ पर थी? कहीं बैठकर सेल्फियाँ तो नहीं बना रही थी? यहाँ तो ऐसे लोगों की भरमार है जो यहाँ पर सिर्फ सेल्फियाँ खींचने आते हैं। हज के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता। जवानी में यहाँ पर आ जाते हैं, फिर बड़ी हसीन और खूबसूरत सेल्फियाँ बनाकर जब तक अपलोड ना करें हज मुकम्मल नहीं होता उन लोगों का। आजकल के तो माँ बाप ही लापरवाह हैं। ये इंटरनेट और फ़ोन समाज को इतना बर्बाद कर दिया है। ऐसे लोग तो माँ बाप बनने के काबिल ही नहीं हैं। मैंने उनका हाथ झटक दिया और मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मुझ पर एक मुसीबत आई पड़ी है और आप लोग मुझे बातें सुना रही हैं। वे कहने लगी, मस्जिद नबी में तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसका मतलब कि तुम कोई बद अखलाक औरत हो, वरना यहाँ पर आकर तो लोगों की मुसीबतें ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आकर तुम पर अजाब आया है, कोई छोटी बात नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये दोनों ही औरतें पागल और दिमागी मरीज हैं। पता नहीं किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। मैं फिर से अपनी बेटी को तलाश करने लगी। मैं हैरान हुई कि मेरा शोहर फिर से मुझे मिल गया, जबकि एक तरफ से वह भी मुझसे खो गया था। जब मेरा शोहर मुझसे बहुत दूर जाकर भी फिर दोबारा मेरे पास आ जाता था, मैं उसको मिल जाती थी, तो फिर मेरी बेटी हमें क्यों नहीं मिल रही थी? वह कहाँ थी? मैंने इतने चक्कर अभी तक लगा दिए थे। मुझे पक्का यकीन था वे आसपास तो कहीं भी नहीं थी, कहीं वे बाहर तो नहीं निकल गई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक होने लगी। सब लोग हरकत में आ गए थे। ये अच्छी बात थी, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर पहले भी बहुत से ऐसे केस हो चुके थे। वे लोग भी हैरान थे। वे कह रहे थे कि यहाँ पर पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो सारी ज़िंदगी मुझे ताने देंगे। वे अलग है। मेरा शोहर पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा और क्या मैं उसके बगैर ज़िंदा रह पाऊँगी। ये सोच आते कहने लगी, नहीं नहीं मैं तो उसी वक्त मर जाऊँगी। मेरी सबा, तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तुम वापस आ जाओ, अपने माँ के पास वापस आ जाओ। अब तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं फिर से चक्कर खाकर गिरने लगी थी। मेरे शोहर ने मुझे पानी पिलाया। उसने कहा कि तुम एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाती हो? वैसे भी तुम्हारी कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अगर इतना ही तुम्हें ख्याल होता तो पहले उसका ख्याल कर लेती। अब मेरे लिए मुसीबत ना बनो। अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं तुम्हें उठाकर अस्पताल ले जाऊंगा या अपनी बेटी को तलाश करूंगा। बैठ जाओ एक जगह पर। मैं उसी जगह पर जाकर बैठ गई जहाँ पर मैं बैठी थी, और सबा वहाँ से गायब हो गई थी। शायद वह किसी तरह वहाँ पर वापस आ जाए। मैं सामने देख रही थी, लोग तवायफ कर रहे थे और मैं दुआ करने लगी, मेरे रब मुझ पर रहम कर, मेरी औलाद मुझे वापस कर दे, मुझ पर कोई मुसीबत ना डालना, मुझे किसी इम्तिहान में ना डालना। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तेरी बंदी बहुत कमज़ोर है। मुझे सबा के ही ख्याल आ रहे थे, कैसे वह इस दुनिया में आई थी, कैसे पहली बार मैंने उसे अपनी गोद में उठाया था। 8 साल के बाद जब आपको अपनी औलाद गोद में उठाने को मिलती है तो आपका क्या जज्बात होते हैं। मैं खुशी से रो रही थी। मैं एक बार खुशी से नहीं रोई, 2-3 महीने तक खुशी से रोती रही। यहाँ तक मेरे रोने से मेरा शोहर तंग आ गया था। कहता था, तुम क्या पहली औरत हो जिसको इतना इंतज़ार के बाद औलाद मिली है? अपने आप को संभालो, हर वक्त रोती रहती हो, आंखें खराब कर ली है तुमने अपनी। अगर अपना ख्याल नहीं करोगी तो बेटी का ख्याल कैसे करोगी? पर मैं उससे क्या बताती? ये खुशी के आंसू थे जो पता नहीं चल रहा था। पर क्या अब मेरे खुशी के आंसू गम के आंसू बनने वाले थे? अब सब कुछ खत्म होने वाला था। वे लोग भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, आपकी बेटी तो किसी फुटेज में नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि फुटेज भी मिल गई है जिसमें बैठी सजदा कर रही थी। वह मेरा दुपट्टा पकड़कर मेरे साथ बैठी थी, लेकिन अचानक से ही वह गायब हो गई। फुटेज में साफ नज़र आ रहा था, सबा वहाँ से गायब हो गई थी। पर उन लोगों ने कहा कि फुटेज में कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि कैमरे बहुत दूर लगे होते हैं, गर्मी है और कभी कैमरे के आगे से कोई चीज़ गुजरती है, कोई परिंदा गुजरता है, तो ऐसा होता है। फुटेज में तो नज़र आया था जैसे वह गायब हो गई हो, लेकिन फिलहाल वह कहीं चलकर गई होगी। वह जिस तरफ गई थी उसी तरफ भी तलाश करने लगे, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। मैं सोचने लगी, मैं कैसे अल्लाह को पुकारूं, ऐसा क्या करूं वह मेरी दुआ सुन ले, मेरी बेटी वापस आ जाए। मैंने दूर से देखा, मेरा शौहर सिक्योरिटी वालों के साथ भी झगड़ा कर रहा था।
जाहिर है अब उसने गुस्सा ही करना था। वह भी गुस्सा होने लगे और एक तरफ को चले गए। मेरा सोहर सर पकड़े बैठ गया, फूट फूट कर रो रहा था। मैंने उसे ऐसे रोते हुए पहली बार देखा था, पर मैं उसके तरफ नहीं देखना चाहती थी क्योंकि मैं उसके सामने खुद को मुजरिम समझ रही थी। ये मेरी ही गलती थी, ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ था। मैं अल्लाह से दुआ करने लगी, यहाँ तक कि मैंने ज़मीन पर नाक रगड़ना शुरू कर दिया। लगता है कोई मेरी वीडियो भी बनाना शुरू हो गया था। लोग मुझे हैरान होकर देख रहे थे। मेरा सोहर भी इस तरफ देखने लगा कि क्या हो रहा है। मैंने अल्लाह से कहा, मेरी मदद करिए, मैं तेरे घर आई हूँ, तेरे दर पर सवाली बनकर बैठी हूँ, मेरी मदद करो। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मुझे किसी तरह दे दो, पर इस तरह से ना दो। अचानक से वहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी, जबकि गर्मी का मौसम था। लोग भी हैरान होने लगे, ऐसा लगने लगा जैसे बारिश होने वाली हो। बारिश के कुछ कतरे ज़मीन पर गिरे, मैंने अपनी आंखों के आगे अपनी चादर कर ली और सजदे में गिर गई। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे लगा मेरा शौहर है, लेकिन जैसे ही मैंने देखा वह कौन है तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सबा बेटी थी। मैंने जैसे ही उसे देखा, मैंने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगी, माँ माँ क्यों रो रही हो, माँ आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। मैंने उसे गले से लगाकर बार बार चूमना शुरू कर दिया, कभी इस गालों पर तो कभी उस गालों पर, माथे पर कभी आंखों पर कभी थोड़ी पर। वह परेशान हो गई। मेरे शोहर ने ये मंजर देखा तो वह भी भागकर हमारी तरफ आ गए और अपनी बेटी को उन्होंने गले से लगा लिया। जैसे ही मैंने एक तरफ देखा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा वहाँ पर दो लोग खड़े हैं जिनके कपड़े हम सब लोगों से बहुत ही अलग लग रहे थे। मतलब वे लोग मदीना के नहीं लग रहे थे, उन्होंने लंबे लंबे कपड़े पहन रखे थे। वे दोनों हमें देख रहे थे, वे लोग भी हमें देख रहे थे क्योंकि मामला ही ऐसा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून और खुशहाल दिखाई दे रहा था। वह हम दोनों को देख रहे थे और हंस रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे कपड़े पहन रखे थे और उनके कदम भी बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे। सबा ने जब उनकी तरफ देखा तो हाथ के इशारे से बुलाने लगी। उन्हें भी सबा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और ये वही लोग थे जो मेरी बेटी को उठाकर ले गए थे और अब वापस कर रहे थे। कौन थे ये लोग? सबा उनकी तरफ हाथ क्यों हिला रही थी? मैंने कहा, सबा वे लोग कौन हैं, किधर देख रही हो तुम? जब मैंने ऐसा कहा तो मेरे शोहर ने कहा, तुम किधर देख रही हो, कोई भी तो नहीं है वहाँ पर? मैंने कहा, वे सामने हैं। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई वे लोग वहाँ से गायब हो गए। मैं समझ गई वही लोग थे जिनके पास सभा गई थी। अब हम लोगों ने जो मामला बढ़ाया था अब हमें उसको भी संभालना था। हम लोगों ने जाकर सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांगी और उनको कहा कि माफ़ी चाहते हैं, हम लोग परेशान थे। उन्होंने भी मामला रफा दफा कर दिया, हमसे लिखवाया कि हमारी बेटी हमें मिल गई है और अब हमें कोई शिकायत ही नहीं। मेरे शोहर ने कहा, अब होटल चलते हैं। हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे, सबा मेरी गोद में सो गई। सबा अंदर से अजीब सी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जो मैंने उसको कभी नहीं लगाया था। ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और सुहानी थी, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को परफ्यूम या इस तरह की कोई खुशबू नहीं लगाती थी क्योंकि अभी वो बहुत कम उम्र की थी। फिर उसके वजूद से ये कैसी खुशबू आ रही थी? ये खुशबू सिर्फ उसके कपड़ों से, उसके वजूद से और उसके बालों से भी आ रही थी। उस खुशबू के अंदर महकती रही, वह सारी खुशबू उसके कपड़ों पर बिखर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, ऐसा लगता था कि उसके हाथ के अंदर कोई चीज़ है। मैंने उसकी मुट्ठी को खोलने की कोशिश करने लगी। मेरे शोहर ने कहा कि चलो होटल आ गया। शोहर ने बेटी को बेड पर लिटा दिया, मुँह हाथ धोने चला गया। कहने लगा, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि हमें आज हमारी बेटी हमें वापस मिल गई। अब घर जाकर किसी को ये बात मत बताना क्योंकि मेरी भाभी की जुबान काली है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरे शोहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ तुम भी उतना ही परेशान थी जितना मैं परेशान था, बस अब दोबारा हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम मेरी हमसफ़र हो, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, माफ़ कर दो मुझे। मैंने कहा, आपको माफ़ कर दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस सोच रही थी अगर मेरी बेटी वापस नहीं मिलती और हम खाली हाथ वापस जाते तो क्या होता। वह कहने लगा, हम जिस पाक दर पर आए हैं यहाँ से कौन खाली हाथ जाता है, वह कभी भी हमें खाली हाथ वापस ना भेजता। मैंने कहा, बेशक बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी भी ये राज नहीं खुला था कि मेरी सबा इतनी देर तक कहाँ थी। वह इतनी समझदार तो नहीं थी, मैं उसे पूछती तो वो मुझे बता सकती थी।
क्योंकि वो पूरे 2.5 घंटे के लिए गायब हो गई थी। ये कोई कम टाइम नहीं था। अब वह सुबह उठी तो उसका मूड अच्छा था। इस तरह वह अभी भी अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर रखी थी। मैंने कहा कि जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं धुला देती हूँ तुम्हारे मुंह हाथ। कहने लगी, नहीं मैं खुद धो लूँगी। वापस आई तो फिर से उसके हाथ में कोई चीज़ थी, वह नाश्ता करने लगी। मैंने कहा, सभा मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ गई थी? तुम तो माँ के पास बैठी थी ना, तो मैंने आपसे कहा था ना कि माँ का दुपट्टा पकड़कर बैठ जाओ, तो फिर तुम कहाँ उठकर चली गई थी? मैंने उसे बहुत प्यार से पूछने की कोशिश की और कहने लगी, माँ मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो इधर ही बैठी थी। मैंने कहा, नहीं तुम कहीं चली गई थी। वह कहने लगी कि हाँ, वे दो अंकल थे ना, उन्होंने मेरी मदद की। मैंने कहा, कौन से अंकल? तो कहने लगी, वो लंबे लंबे कपड़ों वाले अंकल, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम अपनी माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए तुम अपनी माँ के पास चली जाओ और देख लो उन्होंने मुझे क्या दिया है। अब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो मैं ये देख कर हैरान रह गई। उसके हाथ में एक मोती था, ये बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा था। मैंने कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो वह कहने लगी, मुझे उन्हीं अंकल ने दिया है। मैंने कहा, कैसे लगते थे वह अंकल? उन्होंने तुमसे कोई बात की, कुछ कहा? तो कहने लगी, हाँ कह रहे थे हमेशा अच्छी लड़की बनकर रहना, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। अभी ये बात कह ही रही थी कि सामने होटल के अंदर लगी एक एलईडी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ आई, उस तरफ इशारा करके कहने लगी, ऐसे थे वे अंकल, बिल्कुल ऐसे। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम सनसनी की लहर दौड़ गई। मुझे अचानक से ऐसा डर लगा मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था, क्योंकि स्क्रीन पर सऊदी अरब के ही किसी एनर्जी ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, जिसमें वे लोग ये दिखा रहे थे, अगर आप ये एनर्जी ड्रिंक पीते हो तो आपके बड़े पर निकल आएंगे और आप हवाओं में उड़ने लगोगे और आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। जब मेरी बेटी ने कहा ऐसे थे वे अंकल, तो उसने स्क्रीन पर मौजूद उस आदमी की तरफ इशारा किया था। वे अपने वजूद से 2 गुना बड़े थे और हवाओं में उड़ रहे थे। इसका क्या मतलब था मैं अच्छी तरह समझ रही थी। मैंने अपने मासूम बेटी को देखा। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उस मोती को मैंने संभाल कर रख दिया, आज भी मेरे पास है। मेरी बेटी की मदद करने वाले वे 2 आदमी नहीं बल्कि फरिश्ते थे, और मेरी मासूम बेटी ने उनके पर भी देखे थे। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते भेजे थे। जिस तरह से मैंने अल्लाह से मदद मांगी थी, मैं रो रही थी, मेरी मदद अल्लाह ने की थी। मदद करने के लिए उन फरिश्तों को भेजा था, वरना ऐसे कैसे? मेरी बेटी अचानक से गायब हो गई और फिर अचानक से वापस आ गई, ये बात आज तक किसी को समझ नहीं आई। अल्लाह के शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई है और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने फरिश्तों को भेजा। बेशक अल्लाह ही है, आपकी मदद करता है, हर हाल में आपके साथ होता है, वही बेहतर मददगार है। मैंने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई थी, मेरे सोहर ने मुझे मना किया था, और जब मैं घर लौटी तो मेरी जिठानी ने मेरे से हजारों सवाल पूछ रही थी। देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम तो अल्लाह के घर में घूम आई हो, मैं तो सिर्फ तरस रही हूँ और इन 4 बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगी, और तुम देखो मुझसे छोटी होकर भी घूम आई हो। मन ही मन मुझे कोस रही थी, पर मेरा अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान था। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।